मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 द सुनामी। ठीक है, जो टी है वो साइलेंट रहता है, इसको टी सुनामी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सुनामी। ठीक है, सुनामी के बारे में आपने सुना ही होगा कि ये समुद्र की बहुत बड़ी लहरें होती है जो कभी अर्थक्वेक से या वॉल्केनो से, जो भी अपने कहीं पर जैसे भूस्खलन भी हो जाता है, जैसे कहीं ज़मीन की सकती है लैंडस्लाइडर, वॉल्केनोज आप ले लो जैसे ज्वालामुखी फूटता है, तो जब ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल होती है तो ये बहुत तीन चार चीज़ें जिनकी वजह से सुनामी आती है। ठीक है, बाढ़ जाती है ना, पूरा कुछ शहर के शहर बर्बाद हो जाते हैं, तो उसके इसलिए जैसे सुनामी आती है तो हमेशा एक अलर्ट जारी हो जाता है कि उस समुद्र के आसपास में, उस बीच के आसपास में जो भी लोग हैं वो वहाँ से उस जगह को खाली कर दें या वहाँ से चले जाए। ठीक है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जान माल हानि की सबकी होती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताया गया कि इस जो चैप्टर है इसके अंदर ये बताया गया है कि चार पांच ऐसे लोग होते हैं जो अपने उनके साथ जो इंसिडेंट हुए हैं, जिन्होंने जो सुनामी को उन्होंने देखा है, ठीक है, जो उनका रियल टाइम एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, तो उस उन चार पांच लोगों की स्टोरीज को इसके अंदर बताया है कि उन्होंने इस चीज़ से कैसे सर्वाइव किया, उन्होंने अपने कितने रिलेटिव्स को खोया, उन्होंने क्या क्या खोया। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई कि मनुष्यों को हमको इतना ज्ञात नहीं हो पाता है, लेकिन ये जो पक्षी होते हैं या ये जानवर होते हैं, इनकी मौत इस सुनामी के अंदर बहुत कम होती है, क्योंकि इनको पहले ही शायद पता लग जाता है, इनको इनकी सिक्स सेंस काम कर जाती है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, तो ये पहले ही चिल्लाने और भागने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे जंगल में हाथी वगैरह होते हैं जैसे, तो उनको पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, तो वो पहले ही सबसे ऊँचे वाले ग्राउंड पर पहुँचने की कोशिश करते हैं जहाँ तक सुनामी का पानी नहीं पहुँचे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं द सुनामी। अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। अब समुद्र के अंदर जो भूकंप आते हैं उसकी वजह से एक सुनामी बहुत बड़ी एक वेव होती है, ठीक है, लहर होती है जो बहुत बड़ी और बहुत ताकतवर होती है। ऑन 26 December 2004 अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मतलब कि 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आई थी जिसने थाईलैंड को और इंडिया के कई पार्ट्स, कई हिस्सों को उसने क्या किया था, अटैक हिट किया था। ठीक है, और जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु के कोस्ट को। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। अब यहाँ पर कुछ कहानियाँ हैं कि लोगों के साहस की और वो लोग कैसे इस सुनामी से बचे हैं, उनकी एक कुछ साहस भरी कहानियाँ हैं। डिड एनिमल सेंस दैट सुनामी वॉज कमिंग। क्या जो जानवर है वो ये पता लगा सकते हैं, क्या वो चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि सुनामी आ रही है। सम स्टोरी सजेस्ट दैट दैट कुछ स्टोरीज से क्या पता चलता है कि हाँ करते हैं। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान निकोबार आर्किपेलागो। अब कुछ स्टोरी जो है वो जो स्टोरीज वो कहाँ से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैशल। अब इग्नेशियस जो था वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या कहता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मैनेजर था। कोऑपरेटिव सोसाइटी आप जैसे कह सकते हो कि जैसे कुछ लोगों का ग्रुप होता है जिसके अंदर पैसे वैसे सब डालते हैं और जिसको जितनी पैसों की जरूरत होती है वो उसमें से निकाल देता है और बाद में चुका देता है, ऐसे कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, तो उसका एक वो मैनेजर होता है। हिज वाइफ वॉक अप हिम एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। अब उसकी वाइफ उसको सुबह सुबह 6 बजे उठा देती है क्योंकि उसको अर्थक्वेक जैसा महसूस होता है, उसको लगता है कि जैसे भूकंप आ गया हो। इग्नेशियस केयरफुली टूक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स केबल टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। अब इग्नेशियस ने क्या किया, उसके टेलीविजन सेटअप जो उसका टेलीविजन सेट था उसको ऑफ किया, ठीक है, उसको टेबल से नीचे रख दिया ग्राउंड पर ताकि वो नहीं गिरे और टूटे नहीं। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। तो वो फैमिली कहाँ चली गई, घर से बाहर चली गई। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप, जब वो भूकंप के झटके बंद हो गए, दे सॉ द सी राइज, उन्होंने देखा कि समुद्र का तल जो बढ़ रहा है, समुद्र बढ़ रहा है। इन द केओस एंड कन्फ्यूजन, उसी उधेड़बुन में, उसी कन्फ्यूजन के अंदर, ठीक है, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। और उसी कन्फ्यूजन के अंदर कि भाई क्या चल रहा है, तो उसी कन्फ्यूजन के अंदर उसके बच्चे जो थे, ठीक है, उन बच्चों में से दो जो बच्चे थे, मतलब टोटल उसके 5 बच्चे थे, 5 में से 2 बच्चों का लिए बता रहा है
कि एक बच्चे ने तो क्या कर रखा था, उसके उनकी मम्मी के पापा यानी नाना, ठीक है, उनकी मम्मी के पापा यानी नाना का हाथ पकड़ रखा था एक ने, और दूसरे ने क्या कर रखा था, उनकी मम्मी का भाई यानी मामा। तो एक ने तो नाना का हाथ पकड़ रखा था और एक ने किसका हाथ पकड़ रखा था, मामा का हाथ पकड़ रखा था, और वो उनकी अपोजिट डायरेक्शन में भागने लग गए। जिस तरह मैं वो जो भाग रहा था ना, इग्नेशियस उसकी वाइफ और तीन बच्चे, उनकी अपोजिट डायरेक्शन में वो चारों भागने लग गए। इस वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी बह गई। ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, मतलब कि अब वो भाई भागा तो भाई भागा, क्योंकि उसकी मम्मी के तो एक तो पिता पापा थे और एक कौन थे, भाई था, तो वो शायद वो भी उनके साथ भाग गए थे, वो भी पानी में बह गई, और इग्नेशियस और उसके तीन बच्चे ही सिर्फ उस सुनामी से बच पाए थे। ठीक है, संजीव वॉज, अब ये पहली स्टोरी तो खत्म होगी, दूसरी स्टोरी है। संजीव वॉज ए पुलिस मैन सर्विंग इन द गशेल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, मतलब कि अंडमान निकोबार के जो निकोबार का जो द्वीप समूह था वहाँ पर वो कशल, उसका जो एक आइलैंड था, ठीक है, द्वीप समूह, द्वीप मतलब होता है द्वीप कन्वेंशन बोलता है आइलैंड, तो उसी द्वीप समूह, द्वीपों के समूह में से एक आइलैंड है, एक द्वीप है जिसको बोलते कशल, तो वहाँ पर वो पुलिस मैन था। ठीक है, कौन, संजीव, ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, वह किसी तरह से उन सुनामी की जो वेव्स थी, जो लहरें थी जो, ठीक है, उनसे वो अपनी पत्नी को और अपनी जो छोटी सी बेटी थी उनको बचाने में वो मतलब उसने मैनेज कर दिया कि भाई मैं मतलब सफल हो गया। बट देन ही हर्ड्स इट क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस को, मतलब उसने अपनी पत्नी को और अपनी छोटी बेटी को उसने बचा लिया, लेकिन एकदम से उसने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। ठीक है, तो उसने देखा कि अरे तो जॉन की पत्नी है। ठीक है, जॉन कौन, जो उनका गेस्ट हाउस कुक था, जो उनके गेस्ट हाउस में खाना बनाता था। संजीव जंप इन टू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ सेव्ड अवे, संजीव जो था वो पानी में कूद गया उसकी पत्नी को बचाने के लिए, किसकी, जॉन की पत्नी को, लेकिन वो दोनों के दोनों पानी में बह गए। 13 ईयर ओल्ड मेघना वॉज स्वैप्ड अवे अलोंग विद हिज पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल, अब जो है 13 साल की जो मेघना थी वो अपने माता पिता और 77 और 77 और लोगों के साथ बह गई। सी स्पेंट, मतलब कि वो स्टोरी संजीव वाली तो खत्म हो गई, अब तीसरी स्टोरी है किसके बारे में, मेघना के बारे में, कि वो शी स्पेंट टू डेज फ्लोटिंग इन द सी, उसने समुद्र में तैरते हुए दो दिन बिता दिए, होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़ते हुए। ठीक है, 11 टाइम्स शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवर हेड, मतलब के ओवर हेड मतलब उसके सर के ऊपर से उसने 11 बार देखा कि जो एक सहायता के लिए हेलीकॉप्टर आता है ना, ठीक है, उसने देखा वहाँ पर कि उसके ऊपर से 11 बार निकल गए वो। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उसमें से किसी ने भी उसको नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, अब वो किनारे पर एक लहर, तेजी से लहर आई जिसने उसको किनारे के ऊपर पटक दिया लग करके। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डैश, अब वो मतलब कि उसने देखा कि जो किनारा था समुद्र का वहाँ पर उसने देखा कि मतलब वो वहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है, अपने आप को उसने वहाँ पर पाया, ये सब तो बह गए, सिर्फ कोई बच गई थी। अलमाज जावेद वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, अलमाज जावेद एक लड़की है जो 10 साल की है। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कारमेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर में एक जगह है कारमेल जो कॉन्वेंट है वहाँ की वो स्टूडेंट है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में स्कूल होगा कोई या कोई जगह होगी वहाँ की कोई वो स्टूडेंट है। वेयर हर फादर हैड पेट्रोल पम्प, जहाँ पर उसके पिताजी का क्या है, एक पेट्रोल पम्प। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नैनकावरी आइलैंड, अब उसकी जो मम्मी थी जिसका नाम था राहिला, उनका घर कहाँ पे था, नैनकावरी आइलैंड में। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, अब फैमिली वो परिवार वहाँ क्यों गया था, सेलिब्रेट करने के लिए, क्या, क्रिसमस। When the tremors came early in the morning, जब सुबह सुबह उनको भूकंप के झटके महसूस हुए, the family was sleeping, उस समय वो परिवार सो रहा था। अलमाज फादर saw the sea water receded, अब अलमाज के पापा ने देखा कि जो पानी, जैसे समुद्र में पानी आपने देखा होगा बहते हुए, तो पानी क्या कर रहा था, एकदम पीछे की तरफ जा रहा था। ठीक है, मतलब पानी समुद्र में वैसे नॉर्मली आगे पीछे होता है, लेकिन वो पानी कुछ ज़्यादा ही पीछे की तरफ जा रहा था। ठीक है, he understood that the water would come रशिंग बैग विद ग्रेट फोर्स, को पता लग गया था कि पानी पीछे इतना जा रहा है, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा जोर से, बहुत ज़्यादा फोर्स से, बहुत ज़्यादा बल से ये पानी आगे की तरफ आएगा। ही वॉक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू सेफर प्लेस, उसे सबको उठाया और सबको मतलब कि एक सेफ, मतलब एक सुरक्षित जगह पर उसने उनको ले जाने की कोशिश की। एज द रैन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग, अब जैसे वो भागे तो उन्होंने देखा कि जो ग्रैंडफादर थे, जो दादाजी थे,
उनको सर पे किसी चीज़ की लगी एंड ही फेल डाउन और वो नीचे गिर गए। और फादर रश टू हेल्प हिम, उसके पिताजी जो थे वो दादाजी की मदद करने के लिए भागे। दैन कैम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, तब एक बहुत बड़ी भयंकर भयावह बहुत बड़ी विशाल का लहर आई और उन दोनों को भाग के ले गई। अलमाज मदर एंड आंट स्टूड क्लिंजिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, अब अलमा की माँ और उसकी जो चाची थी वो बिल्कुल एक कोकोनट के जो पेड़ थे उसको पकड़ के बैठी हुई थी, कॉलिंग आउट टू हर, ठीक है, उसको बुला रही थी। अ वेव अप्रूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, अब एक बहुत बड़ी आपस एक लहर आई और उन दोनों को बहा के ले गई, किसकी, अलमा की मम्मी और चाची को। अलमाज सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अब अलमा ने देखा कि बहुत मतलब एक लकड़ी का एक टुकड़ा था, लकड़ी का एक बड़ा सा पीस था वो बह रहा था, ठीक है। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उसके ऊपर कूद गई, देन शी फेंटेड और वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वॉक अप शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कामोर्टा, कामोर्टा के एक हॉस्पिटल के अंदर उसकी नींद मतलब वो खुली नींद खुली और या फिर वो होश में आई। From there she was brought to Port Blair. और वहाँ से फिर उसको वापस कहाँ लाया गया, Port Blair में। The little girl does not want to talk about the incident with anyone. अब वो छोटी बच्ची थी वो किसी से भी उससे वाक्य के बारे में बात करना नहीं चाह रही थी। She is still traumatized. वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा सदमे में है, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका पार्ट फर्स्ट, अब देखो अब इसका हम पढ़ेंगे पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकंड में क्या है, टिली स्मिथ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड, जो एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी एक जिसका नाम था टिली स्मिथ, वो मतलब उसने बहुत सारे लोगों की सुनामी से जान बचाई थी। कब, जब सुनामी कहाँ आई थी, फुकेट बीच थाईलैंड के अंदर। दो शी हैज वॉन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, तो उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन, अब उसके पेरेंट्स ने उसका कहीं पर भी साक्षात्कार करने के लिए इंटरव्यू देने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को अलाउ नहीं किया, और मतलब वो नहीं चाहते थे कि एंड मेड इन टू ए हीरोइन, और वो नहीं चाहते थे कि वो किसी तरह की कोई नायिका बन जाए, हीरोइन बन जाए, मतलब कि ऐसे एक्ट्रेस नहीं कि मतलब कि वो जैसे कोई अच्छा काम करता है तो उसको पब्लिसिटी मिल जाती है, उसके इंटरव्यूज होते हैं, उसको हीरो या हीरोइन बना दिया जाता है, ठीक है। Why do you think they took that decision? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया, क्यों लिया, ठीक है, क्या सोचते हो तुम। Now here is a story from Thailand. अभी स्टोरी है कहाँ की, थाईलैंड की। The Smith family from South East England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. Smith family कहाँ, South East England से क्या कर रही थी, वो celebrate कर रही थी Christmas को कहाँ पर, एक beach resort में। Beach resort कहाँ था, southern Thailand में, ठीक है। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ जो थी वो एक 10 साल की स्कूल की लड़की थी। हर सिस्टर वॉज 7 years old, उसकी जो बहन थी छोटी बहन थी वो 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पैनी एंड कॉलिन स्मिथ, उसके पेरेंट्स कौन थे, पैनी और कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 December 2004, या 26 December 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, और जो बिल्कुल जानलेवा सुनामी की जो लहरें थी वो पहले से उनके रास्ते पर थी। They had been triggered by massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. अब देखा कि सुबह सुबह सुमत्रा जो नॉर्दर्न सुमत्रा है वहाँ पर सुबह सुबह एक मतलब कि एक बहुत उसको बहुत खतरनाक वाला अर्थक्वेक महसूस हुआ था। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप कमिंग इन, पैनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पैनी स्मिथ को एकदम से याद आता है, मतलब देखती है वो क्या कि पानी जो है वो स्वेलिंग और केप कमिंग मतलब वो बढ़ रहा है और उनकी तरफ आ रहा है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और जो बीच था ठीक है वो धीरे धीरे छोटा और छोटा होता जा रहा था। आई डोंट नो वॉट वॉज हैपनिंग, मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा था, बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ को इस चीज़ का आभास हो गया था कि कुछ ना कुछ तो जरूर गलत है, गलत था। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन, अब उसका जो दिमाग था वो बार बार वो ज्योग्राफी लेसन की तरफ जा रहा था। She had taken in England, जो उसने इंग्लैंड के अंदर पढ़ा था, कब, just 2 weeks before, 2 हफ्ते पहले ही। She flew out to Thailand with her family, मतलब कि थाईलैंड में आने से पहले ही उसने इंग्लैंड में 2 हफ्ते पहले एक ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था, क्या पढ़ा था,
टेली सॉ द सी स्लोली राइज, उसने देखा कि जो समुद्र जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्टार्ट टू फॉर्म, और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स, और मतलब कि क्या कर रहा है, धीरे धीरे बहुत बड़े मतलब क्या होता है, मतलब समुद्र ऐसे उठता है ना बिल्कुल ऐसे बहुत बड़ा कोई बुलबुला बन गया हो, ठीक है। She remembered that she had seen this in class in a video of tsunami that had hit the Hawaii island in 1946. उसको ये याद आया कि उसने क्लास के एक वीडियो के अंदर देखा, किसका वीडियो, सुनामी का, जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर ये था कि सुनामी ने हवाई आइलैंड को 1946 में कैसे हिट किया था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उसके ज्योग्राफी टीचर ने उसकी पूरी क्लास को वो वीडियो को दिखाया था, एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। तो उसने क्या बोला, उसके टीचर ने बताया था, ज्योग्राफी टीचर ने, कि सुनामी जो है वो भूकंप की वजह से, वॉल्केनोज मतलब कि जैसे आपके जैसे कहीं ज्वालामुखी फटता है, ठीक है, और लैंड स्लाइड मतलब कि भूस्खलन, जैसे कहीं जमीन खिसकती है, बहुत बड़ा हिस्सा जमीन का खिसकता है। दे टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। अब टिली अपने घरवालों की तरफ जोर से चिल्लाती है कि यहाँ से फटाफट निकलो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने वो क्या बताया कि समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा क्या आया है, भूकंप आया है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टोरिकल सैड, अब वो बिल्कुल और ज़्यादा मतलब हिस्टोरिक मतलब क्या होता है, हिस्टोरिकल मतलब कि आप उस समय मतलब एकदम ना शक पकाना, हक्का पक्का कि हंस रहे हो या रो रहे हो, जैसे कोई कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको उस समय एक्सप्रेशन क्या देना है, ठीक है। तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल एक बेसुध से होकर के ऐसे बोले कि उसको पता ही नहीं उसको क्या करना है। सैड हर मदर पैनी, उसकी माँ कहती है आई डिडंट नो व्हाट इज सुनामी, और मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या है, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन, लेकिन मेरी बेटी को इतना डरा हुआ देख करके आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, तो मैंने सोचा कि सब जरूर कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। मुझे नहीं पता सुनामी क्या है, लेकिन मेरी बेटी को इतना डरा हुआ देख करके मुझे लग गया कि जरूर कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। टिली पेरेंट्स टू कर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, अब टिली के जो माता पिता थे वो उसको और उसकी बहन को वहाँ से लेके चले गए, कहाँ, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के स्विमिंग पूल में। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और बहुत सारे जो टूरिस्ट जो थे, ठीक है, वो सबके सब वहाँ से उनके साथ वहाँ से उन्होंने बीच को छोड़ दिया, सब भाग गए वहाँ से। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, फिर क्या हुआ, आई वॉज स्क्रीमिंग रन, फिर एकदम से हमने क्या देखा कि पूरा का पूरा समुद्र हमारे पीछे पड़ा हुआ था, ठीक है, हम सब उन लोगों के पीछे पड़ा हुआ था, मैं चिल्ला रही थी भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, अब फैमिली थी जो हमारी, जो हमारा परिवार था, उन्होंने कहाँ पर शरण ली, होटल के तीसरे फ्लोर पे। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव, अब बिल्डिंग जो थी वो सुनामी की इतनी बड़ी बड़ी 3 लहरें आई थी, वो भी मतलब उस बिल्डिंग के ऊपर गई, लेकिन बिल्डिंग ऐसी कैसी खड़ी थी। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, मतलब वो होटल तो इतना मजबूत था कि 3 बड़ी बड़ी लहरें आई, फिर वो जो होटल था वो यूं का यूं खड़ा था, ठीक है। और वो ऐसे कहती है कि अगर हम लोग बीच पर रहते तो शायद हम लोग मर जाते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हू हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, अब जो स्मिथ जो थे अपने बारे में कह रहे कि उन्होंने उन टूरिस्ट से जाकर के मिले जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, ठीक है। थैंक्स टू टिलियर एंड ज्योग्राफी लेसन, टिली का धन्यवाद और उसके ज्योग्राफी लेसन का भी धन्यवाद। दे हैड बीन फॉर वर्न, जिस वजह से उन लोगों को उस जो गलत होने वाला था, ठीक है, उसकी उनको पहले चेतावनी मिल गई। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टिली वापस इंग्लैंड में अपने स्कूल में गई एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स अ टेरिफाइंग टेल, और अपने क्लासमेट्स को उस डरा देने वाली उस भयानक कहानी के बारे में बताया, ठीक है। नेक्स्ट है इसका पार्ट 3, लुक केयर, देखो इसमें एक इमेज दे रखी है आपके बुक में देख लेना, उसमें बता रखा है कि एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, टूटा फूटा कोई सामान है फर्नीचर का और चारों तरफ पानी से तबाही हो चुकी है, ठीक है। तो इसको देख के आप कुछ एक छोटा सा अपने आराम कुछ इमेजिन करके आप बता सकते हो, इस जो मैंने आपको पढ़ाया पार्ट सेकंड तक, कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे कौन से सेंटेंसेस आएंगे, कैसे सुनामी आई, कैसे अर्थक्वेक हुआ, कैसे सबके सब गांव का गांव या आसपास के लोग सब बह गए, या जमीन का या जान का नुकसान हो गया, वो आप पिक्चर को देख करके अगर आप कोशिश करो तो आप ट्राई करना इसको, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट, कम टू सी रुइन हर्ट्स, ठीक है, आपको हिंट्स दे रखे हैं, आप इससे स्टार्ट कर देना। बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, मतलब कि बहुत बड़ी राक्षस रूपी मतलब कि
बहुत बड़ी विशाल काय एक जो लहर थी सुनामी की, इससे पहले कि वो श्रीलंका और इंडिया को हीट करे, ठीक है, श्रीलंका और इंडिया के अंदर वो आए, ठीक है, मतलब उनको बर्बाद कर दे, जंगली और जो पालतू जो जानवर होते हैं उनको देख करके ऐसा लगा कि उनको सब पता लग जाता है कि अब क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी अकॉर्डिंग टू एवरी विटनेस अकाउंट, मतलब कि जितने भी लोगों ने, जितने भी लोगों से हमने पूछा या जितने भी लोगों से बात पता लगी, उन्होंने सबने बताया कि वो ऑलरेडी मतलब सेफ्टी जगह, मतलब सेफ्टी में वो अपने आप को, सेफ्टी जो प्लेस होता है, जो सेफ प्लेस होता है, वहाँ वो चले जाते हैं। एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड, जितने भी हाथी वो जोर से चिल्लाते हैं और सबसे ऊँचे तल पर पहुँचने की कोशिश करते हैं, सबसे ऊँचे ग्राउंड पर जाते हैं। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, कुत्ते बाहर जाने से बिल्कुल मना कर देते हैं, बाहर नहीं जाते वो। फ्लेमिंगोज एबेंडोंड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया, जो फ्लेमिंगोज जो होती है ना रात को गाती हैं जो, ठीक है, कोयल टाइप मान लो आप, ऐसे हंस जैसे होते हैं ना, जैसे वो अपने फ्लेमिंगो सुने होंगे कि जो अपने इंडिया के अंदर वो सबसे सफ़ेद कलर के पक्षी आ जाते हैं बाहर से, तो वो अपने जहाँ पर वो ब्रीडिंग करते हैं, जहाँ पर वो अंडे देते हैं, वो जगह को भी छोड़ देते हैं। एंड जो एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट, और जो जू के जो एनिमल्स होते हैं, जो अपने चिड़ियाघर के जो जानवर होते हैं, वो लोग भी कहाँ भागते हैं, अपने अपने शेल्टर में, मतलब कि जहाँ वो रहते हैं, ठीक है, और बाहर आने की वो हिम्मत भी नहीं करते हैं। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पजेस सिक्स सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, अब कई लोगों का ऐसा मानना है, कई लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि जो जानवर है उनके पास एक सिक्स सेंस होती है और उनको ये पता लग जाता है, ठीक है, कि कब जो ये धरती है वो हिल रही है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, और कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है, ठीक है, कि एनिमल जो होती है, जो जानवर होते हैं, उनकी इस चीज़ को सुनने की जो ताकत होती है, समझने की और सुनने की ताकत होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होती है, वो हमसे ज़्यादा होती है, ठीक है, कौन सी, जो अर्थ में वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, और वो इससे पहले कि हम लोगों को यानी मनुष्यों को पता चले कि क्या हो रहा है, वो हमसे पहले ही चीज़ का अनुमान लगा लेते हैं, पहली चीज़ का आभास हो जाता है, वो पहले ही चीज़ को सेंस कर लेते हैं। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट, हम लोग इस चीज़ के बारे में श्योर नहीं है, हम लोग पक्का इस चीज़ पे विश्वास नहीं है कि जानवरों के पास सिक्स्थ सेंस होती है। बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 150,000 पीपल इन ए डजन कंट्रीज, मतलब कम से कम दर्जनों जो कंट्रीज है, दर्जनों जो अपने देश है, तो उसके अंदर ऐसा पता लगा कि जब वो बहुत बड़ी विशालकाय जो वेव्स होती है, जो लहरें होती है, जब उन्होंने हिंद महासागर से वो उठी थी और उसने कम से कम 1.5 लाख लोगों को मार दिया था, बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन उस समय बहुत सारे मनुष्यों की तो पता लग गया था, कम से कम 1.5-2 लाख लोग मर गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा जो जानवर थे उन लोगों के मरने की रिपोर्ट वहाँ पर नहीं थी। अलॉन्ग इंडियाज कैटलर कॉस्ट, इंडिया का जो कैटलर कॉस्ट है, ठीक है, वेयर थाउजेंड, मतलब कैटलर का जो किनारा है, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ट, वहाँ जहाँ पर बहुत सारे हजारों लोगों की मौत हो गई थी। बफेलोज गॉड्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, लेकिन वहाँ पर जो भैंसे थी, जो बकरियाँ थी और जो कुत्ते थे, उनको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स लियोपार्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, वो घर है अलग अलग वैरायटी के जानवरों का, जैसे कि एलिफेंट यानी हाथी, लियोपार्ड, ठीक है, तेंदुआ, और कम से कम 130 प्रजातियाँ किसकी, पक्षियों की। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पटना गला बीच इनसाइड द पार्क, मतलब कम से कम 60 लोग जो थे बाहर से जो विजिट करने के लिए आए थे, ठीक है, पटना गला बीच में, वो वहाँ से जब वो आए थे विजिट करने के लिए, ठीक है, घूमने के लिए आए थे, विजिटर्स थे, तो वो उसमें बहके चले गए थे। बट नो एनिमल कारकासेस वर फाउंड, लेकिन किसी भी जानवर की मौत की या किसी भी जानवर के नुकसान की कोई भी खबर नहीं थी, एक्सेप्ट फॉर टू वाटर बफेलो, सिर्फ दो ही भैंसों की खबर थी जहाँ वो मर गई, लेकिन बाकी और सब अनहार्म्ड थे। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटंगला बीच,
मतलब कि एक ही घंटे पहले जब सुनामी हिट हुई वहाँ पर, जब सुनामी ने हमला किया, तो उसे एक घंटे पहले लोगों ने बताया कि याला नेशनल पार्क में जो तीन हाथी थे वो कहाँ भाग, वो जो बीच था, कौन सा, पटनांगला बीच था, वहाँ से वो भाग रहे थे, मतलब सुनामी आने से एक घंटे पहले। और श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैली सेड हिज टू डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। मतलब कि एक श्रीलंकन का, एक श्रीलंका के एक सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने बताया जो कहाँ रहते थे, जो रहते थे अपने गले जो एक किनारा है, ठीक है, श्रीलंका में, तो वहाँ उन्होंने बताया कि उनके जो दो कुत्ते थे तो वो उनको रोज़ लेके जाता था वॉकिंग के लिए, ठीक है, बीच पे, लेकिन उस दिन वो दोनों कुत्ते बाहर गए नहीं। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग ही सेड। उसने बोला कि यार जैसे मैं उनको रोज़ सुबह लेके जाते थे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे, खुश हो जाते थे कि हम उनको समुद्र पे उनको मैं वॉकिंग करने के लेके जाता था समुद्र के बीच पे। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। उसने बोला कि उस दिन उन लोगों ने वहाँ जाने के लिए मना कर दिया और इस वजह से संयोगवश मेरी भी जान बच गई, मेरी जिंदगी उस दिन उन्होंने बचा दी। ठीक है, ये चैप्टर नंबर अपना 2 जो है सुनामी वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।